हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज मेरी इस रीडिंग का टॉपिक है, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, फिर चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, तो हम ये देखेंगे कि उन्हें किस चीज़ का घमंड है, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे क्या उनका ये जो भी घमंड है, जिस चीज़ का उन्हें घमंड है, क्या वो घमंड उनका टूटेगा तो कब टूटेगा। क्योंकि हमने अभी तक जितनी बार रीडिंग करी तो हमें मोस्टली ये पता चला कि आपके पार्टनर ईगो की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये है वो है, मतलब हर जगह बात अटक जाती थी ईगो पे आके। तो आज इसी चीज़ की हम बात करते हैं कि भाई किस चीज़ का पार्टनर को ईगो है और क्या वो ईगो टूटेगा। तो गाइज, यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर, ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप लोगों के सामने आएगी आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। सेकेंड थिंग गाइज, ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल भी बिल्कुल नहीं है। ऊपर से कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी की यहीं और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। थर्ड थिंग गाइस, ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज पड़ी जा रही हैं और एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, आपके जो भी पर्सन है, उन्हें किस चीज़ का घमंड है। जो भी व्यूअर्स है उनके पार्टनर को किस चीज़ का घमंड है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर को किस चीज़ का घमंड है, प्लीज़ आर्कएंजल्स। फर्स्ट वन इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स मुझे बताइए किस चीज़ का घमंड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए उन्हें किस चीज का घमंड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किस चीज का घमंड है भाई। एस ऑफ पेंटिकल्स, किस चीज का घमंड है पार्टनर को। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किस चीज का घमंड है भाई। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, चीज का घमंड है। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर को। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस, ओहो क्या बात है भाई। देखिए, पहले मैं ये चीज़ इसलिए निकाल रही हूँ कि आपके पार्टनर को किस चीज़ का घमंड है, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है या नहीं है। अगर सपोज़ ये आपको आपसे मैच नहीं करता है, आपसे रेजोनेट नहीं करता है, तो मतलब ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। उसके अलग मुझे यहाँ पर कुछ लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में भी दिखाई दे रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है। उसके अलग मुझे यहाँ पर हो सकता है कुछ के पार्टनर्स और आप में ना, पर्सन और आप में एज डिफरेंसेस भी हो, ऐसा भी यहाँ पे क्वाइट पॉसिबल है। उसके अलग अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि की बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आई है। सारे कार्ड्स देखिए यही एनर्जी के हैं। उसके अलग जस्ट ये दो कार्ड है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि, और यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी आई है। देखिए, जस्टिस कार्ड जो ओवरऑल कार्ड है वो मुझे बताता है ना कि आपके पार्टनर, कुछ के पार्टनर ना, हो सकता है किसी बड़े ओहदे पर है, जैसे उनके अंडर में काफ़ी लोग काम करते हैं, उन्हें काफ़ी लोग मानते हैं, कुछ ऐसे ओहदे पर आपके पार्टनर हैं। तो सबसे बड़ी पहली चीज़ तो उन्हें ये है कि उन्हें अपने जिस भी पोस्ट पर वो हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, मतलब कुछ भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, जिस भी वो फील्ड में है ना, या उनकी फैमिली हो, फैमिली पर्सन, फैमिली मेंबर्स हो, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड भी आया है, वो या फिर उनकी जो भी फैमिली है वो, तो दोनों में से जो भी है ना, तो वो किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, किसी ऊंची पोस्ट पर हैं। सबसे पहला तो उन्हें अपनी उस पोस्ट का बहुत ज़्यादा घमंड है, उस चेयर का, जैसे ये कुर्सी है उनकी, उस कुर्सी का उन्हें सबसे ज़्यादा घमंड है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपके जो भी पर्सन है ना, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, उन्हें अपने पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है। हो सकता है वो जिस फैमिली
फैमिली से बिलोंग करते हैं वो काफ़ी रिच फैमिली हो, या हो सकते हैं उनके जैसे पेरेंट्स हैं उनकी मतलब जो भी उनसे कनेक्टेड हैं वो काफ़ी रिच फैमिली से हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स आए हैं। तो मुझे वैसे ओवरऑल पेंटिकल्स ही ज़्यादा लग रहा है कि उन्हें अपने सबसे ज़्यादा उन्हें पैसों का घमंड है कि उनके पास बहुत पैसा है, और कहीं ना कहीं वो अपनी पोस्ट के लिए भी आपको घमंड दिखाते हैं, और वो आपको ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उन्होंने जो ऑर्डर दे दिया वही आपको फॉलो करना है। उस टाइप से आपके पार्टनर की पर्सनालिटी भी हो सकती है, कुछ कुछ लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए नहीं। मतलब अपने आप को ना बहुत ज़्यादा एक तरह से हाई पोस्ट पर देखते हैं और आपको बहुत कम आंकते हैं, ऊपर से पैसों के लिए भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ये दिखाते हैं आपको कि बहुत रिच है वो, उनके उनसे ज़्यादा किसी के पास कुछ नहीं है। हालांकि उनके पास बहुत कुछ है लेकिन उनसे ज़्यादा कंजूस भी कोई नहीं है। देखिए फोर ऑफ पेंटिकल है, जैसे इसने पैसों को ऐसे चिपटा के रख रखा है ना, भले वो कितने भी ऊंची पोस्ट पर हैं, भले ही वो कितने ही पैसे वाले हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा कंजूस भी हैं, बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, पैसे उनसे खर्च भी नहीं होते हैं, दिखाते हैं मतलब एक तरह से आप कह सकते हो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो वही यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी आई है, सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर आपको अपने पैसों का घमंड दिखाते हैं। उसके अलग आपके पार्टनर ऐसा आपको शो करते होंगे कि वो किसी के पास भी जाएंगे ना अपने लिए, मतलब सपोज़ वो अगर किसी रिलेशनशिप के लिए अपना एक ऑफ़र दूसरे को देंगे ना, तो उनके पास कोई भी ईजिली अट्रैक्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ उनका पैसा। मतलब वो इतने पैसे वाले हैं कि वो किसी के तरफ भी ऑफ़र बढ़ाएंगे, अपना हाथ बढ़ाएंगे तो झट से वो उनके पास आ जाएगा, उनके लिए रेडी हो जाएगा। तो मतलब वो एक तरह से आपको बहुत कम आंकते हैं कि मतलब आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो, चाहे उनके पास हो ना इतना पैसा हो नहीं, लेकिन वो शो ऑफ बहुत करते हैं, उसी चीज़ का वो घमंड करके भी आपको दिखाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि पहला कार्ड ही यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल आया है जो मुझे बता रहा है ना कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि उनसे ज़्यादा रिच, उनसे ज़्यादा वेल्थ वाली फैमिली किसी की नहीं है। मतलब मतलब अपने आप को अंबानी टाइप के समझते हैं आपके पार्टनर, इस टाइप से मुझे यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे लग रही है विद दिस नाइन ऑफ पेंटिकल कार्ड, देखिए आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, मतलब उन्हें ना अपनी ज़्यादा अपने नीड ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, अपने आप को ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि दूसरा किस चीज़ से इफ़ेक्ट होगा, उनकी बातों से इफ़ेक्ट होगा, मतलब बेसिकली उन्हें अपने आप से ज़्यादा प्यार है, और वो चाहे वो सेल्फ लव हो, अपने पैसा हो, अपने फ्रेंड्स हो, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इन कंपेरिजन ऑफ यू। और उसके अलग ना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर ऐसा दिखाते हैं कि मॉनेटरी फॉर्म में यानी कि पैसों के मामले में उनसे ज़्यादा कोई खुश नहीं है, उनके पास इतना पैसा है, उनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं है। देखिए जैसे ये दिखा रही है कि वो उनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं है, हालांकि वो दिखा बहुत कुछ रही है कि उनके पास बहुत है बहुत है। देखिए जैसे ये लड़की है, इसके पास पैसा है, गार्डन है, सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके कपड़े देखिए कितने ख़राब हैं। तो वही चीज़ है ना कि दिखा कुछ रही है चाहे उनके पास हो या ना हो, लेकिन शो ऑफ बहुत अच्छे से करते हैं। हो सकता है कुछ कुछ के पार्टनर हो भी, रिच भी हो, लेकिन वो पैसे के मामले में आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं, और वो ये दिखाते हैं कि उनसे ज़्यादा पोस्ट, अच्छी पोस्ट किसी की नहीं है, उनसे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है। ठीक है, पर आपके पार्टनर से ज़्यादा कंजूस भी कोई नहीं है। उसके अलग ना पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड अगेन मुझे यही चीज़ बताता है ना कि ये तो बताता है कि आपके पार्टनर जैसे किसी को भी अपना ऑफर वो आपको ऐसा दिखाते हैं कि अगर वो किसी के साथ न्यू बिगनिंग करेंगे ना, तो जैसे होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी भी के सामने ऑफ़र करेंगे तो वो यू ऐसे ऐसे हमारे लिए रेडी हो जाएगा, उस टाइप से आपके पार्टनर आपको दिखाते हैं। और उसके अलग आपके पार्टनर ऐसा भी हो सकता है, कुछ कुछ के पार्टनर दिखाते हो कि वो उनके पास लोगों के मतलब लड़कियां या लड़के उनके पास ऐसे आते हैं कि वो उनके सामने नए नए ऑफर न्यू बिगनिंग करने के लिए उनके पास आते हैं। मतलब एक तरह से आपके पार्टनर हो सकता है, कुछ कुछ के पार्टनर ऐसे दिखाते हो कि उनके लिए ना लोगों की लाइन लगी पड़ी है, वो लोग उनके पास आते हैं न्यू बिगनिंग करने के लिए, रिलेशनशिप में आने के लिए, चाहे वो पैसे के लिए हो, पार्टनरशिप के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, मतलब अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आपके पार्टनर ना
किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो, जैसे या हो सकता है कि बहुत ऐसी जगह पे रहते हो हाई क्लास फैमिली सोसाइटी हो, या तो या जैसे होता है ना बड़ी सिटी में रहते हो, तो वो अपने उस अपने स्टेटस को लेकर आपको बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस है, उन जो जिस सोसाइटी में रहते हैं वो इतने पैसे वाले हैं, वहाँ का खर्चा इतना है, उस टाइप से दिखाते हैं। या वो अगर किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो वो इतना वो इस टाइप से दिखाते हैं कि वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, देखिए यहाँ पे एक एक फ्लैट इतने का है, उस टाइप से भी यहाँ पे पॉसिबल दिखाई दे रहा। या ये दिखाते हो आपके पार्टनर ना विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि वो बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल करते हैं, उनकी ट्रैवलिंग जॉब है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उस टाइप से आपको दिखाते हो। उसके अलग ना आपके पार्टनर ऐसा भी, उन्हें इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा प्राउड है कि उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदा कोई नहीं है, वो इतना कॉन्फिडेंटली लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं तभी लोग उनकी तरफ आते हैं, उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदा कोई नहीं है कि वो जिसके भी तरफ हाथ बढ़ाए वो एकदम से उनके पास आ जाए, ऐसा भी आपके पार्टनर आपको शो करते होंगे। मतलब मेन इनके कॉन्फिडेंस को लेकर भी मुझे लग रहा है कि उन्हें इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा घमंड है। उसके अलग किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ऐसा बताता है ना, बेसिकली आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा आंकते हैं। देखिए ये कार्ड भी होता है ना लीडरशिप का कार्ड होता है, अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि अगर वो कहीं भी जाएंगे ना तो पूरी लीड उनके हाथ में होती है, लोग उनके अंडर काम करते हैं, लोग उनसे ज़्यादा पैशनेट हैं, ऐसा आपके पार्टनर दिखाते हैं। उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कोई नहीं है, वो नए नए रिस्क ले सकते हैं, उनमें इतने गट्स हैं, वो लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ला सकते हैं, और मतलब इस तरह से मतलब ऐसे आपको दिखाते हैं कि उनसे ज़्यादा परफेक्ट पर्सनैलिटी इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा पैसे वाला रिच पर्सन कोई इस वर्ल्ड में नहीं है, ऐसा आपके पार्टनर हो सकता है आपको दिखाते हो। ये सब तो चीज़ें हो गई आपके पार्टनर को किस चीज़ का घमंड है, ठीक है। बेसिकली ना मुझे यहाँ पे मेन मोटा मोटा अगर मैं आपसे कहूँ तो आपके पार्टनर आपको ये दिखाते हैं कि अगर आप उनके साथ नहीं रहे तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो उनके पास और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑफर्स हैं, और वो बहुत ज़्यादा बिजी भी रह सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पर है। उसके अलग ना नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड भी मुझे ये बताता है ना कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप की पर्सनैलिटी थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत लॉजिक्स पे चलते थे, लेकिन आप उनके कंपैरिजन पे बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, मतलब आप भावनाओं पे बहुत जल्दी बह जाते थे। ये चीज़ आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पता थी, आप लोगों के साथ रहते रहते उन्हें ये चीज़ें पता चल गई थी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और वो प्रैक्टिकल हैं, और वो इसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा प्राउडली लेकर चलते थे कि मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत प्राउड फील करते थे इस चीज़ को लेकर कि वो बहुत ज़्यादा लॉजिक्स पर चलते हैं, वो अपनी पुरानी गलतियों से, पुराने एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं और फिर वो आगे चलकर उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, और वो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो बहुत डिटेल में जाकर उन चीज़ों पर वर्क करते हैं, बट आप नहीं करते हो, आप मतलब इमोशनली चीज़ों को लेते हो जो कि सही नहीं है। आपके पार्टनर को अपना इस चीज़ में अपने आप को वो बहुत ऊपर मानते थे, अपने आप पे बहुत प्राउड फील करते थे, सेल्फ लव तो वो कर ही रहे थे। उसके अलग इन चीज़ों को ना आपके पार्टनर ये समझते थे कि वो एक तरह से अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगे थे, आप ये कह सकते हो, या अपने आप को मेल ईगो या फीमेल ईगो, इस तरह से मोटा मोटा मैं आपसे कहूँ तो मेल ईगो भी था आपके पार्टनर को, कि जैसे मेल ईगो फीमेल ईगो था, ब्यूटी के लिए अगर है तो मैं फीमेल ईगो कह सकती हूँ, या अपने फादर की फैमिली के पैसों के लिए बहुत ईगो हो गया था, और अगर मेल वाइज कहूँ तो ये मेल ईगो था क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा माचो टाइप का और मेल ईगो टाइप का समझते थे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने आप को वो बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, इस ओहदे पर वो अपने हार्ड वर्क से पहुँचे हैं, आप कुछ नहीं हो, इस तरह से उनकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो वो आपको बहुत कम आंकते मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं कि क्या उनका घमंड टूटेगा या नहीं टूटेगा, इस क्या आपके पार्टनर का, चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर का घमंड टूटेगा या नहीं टूटेगा। फर्स्ट कार्ड आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्या आपके पार्टनर का घमंड टूटेगा, टूटेगा तो कैसे टूटेगा, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कैसे घमंड टूटेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स,
सेवन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स्ड, द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, जजमेंट। ठीक है, और हमारा बॉटम ऑफ द डेक आया है थ्री ऑफ सोल्स। ठीक है, तो देखिए गाइस, मुझे ना यहाँ पर नाइन नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। ये नंबर कुछ कुछ लोगों से रिलेट करता होगा, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों से करे। जैसे हो सकता है कि आप लोगों का जो भी रिलेशनशिप है वो 9 सालों का था, 9 महीने से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हो, या हो सकता है कि सेप्टेम्बर मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। जैसे सेप्टेम्बर मंथ में आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, फर्स्ट टाइम बिछड़े थे, आप लोगों की एनिवर्सरी हो, आपका बर्थ मंथ हो, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो, या फिर नाइन ऑफ सेप्टेम्बर ऐसे हो सकता है, या सेप्टेम्बर मंथ में से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हो। इस तरह से मतलब ये नंबर्स और ये मंथ आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद आइए कि आप क्या आपके पार्टनर का ईगो टूटेगा या नहीं टूटेगा, अहंकार टूटेगा या नहीं टूटेगा, टूटेगा तो कैसे टूटेगा। तो देखिए गाइज, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की बहुत सैड एनर्जी आई है, और जो कार्ड्स आए हैं वो इत्तेफाक से रिवर्स्ड में आए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है। हो सकता है कुछ कुछ के पार्टनर ने ना अपने मेल ईगो की वजह से, जैसे आपको वो दिखा रहे थे पास्ट में कि उनके पास बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, मतलब लोगों के ऑफर आते हैं, या वो जिसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे उनके ऑफर्स उनके पास आएंगे। बट यहाँ पे तो मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, दर्द में दिखाई दे रहे हैं, एक हर्मिट मोड पे दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। उसके अलग देखिए आपके पार्टनर के कितने सैड एनर्जी वाले कार्ड आया है। जैसे जजमेंट का कार्ड आया है, वो पुकार कर रहे हैं, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए आपके पार्टनर अपना कर्मा भी फेस करेंगे, या जो भी उनके साथ सिचुएशन हो रही है वो कर्मा ही फेस कर रहे हैं। जिस पैसे की वजह से ना आपके पार्टनर ने आपको अपना ईगो दिखाया था, वो मुझे आपके पार्टनर के पास नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे मैम कैसे कह सकते हो, देखिए जैसे आपके पार्टनर शायद अपने पास्ट में ना बहुत ज़्यादा कंजूस थे ना, आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं ये नौबत आने वाली है, जैसे कि उन्हें खुद किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, ऐसे पैसा लेना पड़ेगा उन्हें। जैसे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाते थे ना, तो उन्हें कहीं ना कहीं पैसों की किल्लत आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब उनके पास या तो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी, या उनके पास पैसा होते हुए भी वो उनके पास प्यार नहीं रहेगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक राजा था और वो उसे खजाने के कमरे में बंद कर दिया कि तुम अब पैसा ही तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अब तुम पैसा ही खाओ, पैसा ही पियो और पैसा ही पहनो, इस टाइप से था ना। वही यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब आपको मनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना आपके लिए, तो आप बस मनी के साथ रहो। और अब आपके पार्टनर के साथ ऐसा कुछ होने वाला है या होगा कि मतलब पैसा उनके पास होगा पर उनके पास और कुछ नहीं होगा, ना प्यार होगा ना, मतलब एक तरह से एक मेन जो चीज़ होती है ना वो इमोशनल लेवल पे वो बहुत ज़्यादा वीक होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है उन्हें कहीं ना कहीं पैसे की किल्लत भी आएगी, और कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके पास पैसा होगा लेकिन इमोशनल लेवल पर उनके पास कुछ नहीं होगा जो उनके उनसे गले मिलकर उनके दुख बांट सके, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी आई है। मुझे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर को कोई ना कोई तो डिच करेगा, जिस वजह से आपके पार्टनर ऐसा सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। या तो वो उनके पैसों का गबन करेगा, यानी कि पैसे चुराएगा, या कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ घोटाला करेगा, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इतना डीप में नहीं जाएंगे, बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। जो मुझे बताता है ना, एक तरह से आपके पार्टनर को उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है।
उसके अलग हर्मिट कार्ड मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले हो जाएंगे। जैसे वो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे ना, बहुत सेल्फ लव करते थे, अपना पैसा देख के खुश रहते थे, अपनी हेल्थ, अपने ब्यूटी, इन सब चीज़ों पर ही उनका ज़्यादा फोकस्ड था। और इस चक्कर में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर बहुत अकेले दिखाई दे रहे हैं। मतलब दीन दुनिया से देखिए सब बहुत चट्टानों पर जाके बैठ गए, एक तरह से साधु संन्यास टाइप के आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं होप लगाए बैठेंगे कि अब उनकी सिचुएशन कहीं ना कहीं सही हो जाएगी। उसके अलग देखिए आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा लॉजिक्स पर चलते थे और उन्हें ये लगता था उनके पास वो जिसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे वो एकदम से उनकी तरफ आएगा। और यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्स कार्ड आया है रिवर्स्ड में, जो मुझे बताता है ना कि आपके पार्टनर जो जितना वो लॉजिक्स की बात करते थे ना, वो लॉजिक्स ही आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ले डूबेगा, क्योंकि आपके पार्टनर इतना लॉजिक्स पे चलते थे तो वो उन चीज़ों को ही पकड़े बैठे रहते हैं। मतलब एक तरह से होता है ना कि उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं पास्ट में, वो सोचते थे कि उनसे कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन अब वो चीज़ें जो पास्ट की जिन चीज़ों को लेकर बैठे हैं आपके पार्टनर, उनसे आपके पार्टनर निकल नहीं पाएंगे। एक होता है ना कि जो ऐसा नहीं होता है कि जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे अच्छे ही होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इतना लॉजिक्स पर चलने की आदत थी उन्हें, तो वो उन्हें पकड़े बैठे रहेंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाएंगे। एक तरह से मैं आपको बोलूँ तो नेगेटिव हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। जब ज़्यादा लॉजिक्स पर चलते हैं ना तो इंसान क्या हो जाता है, नेगेटिव होने लगता है, तो वही चीज़ एक सुकून नहीं मिल पाएगा आपके पार्टनर को, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जब ये चीज़ें होती है ना, कर्मा ही आ गया, इनफैक्ट जजमेंट कार्ड आया, जब ये चीज़ें होती है ना किसी के साथ, तभी उसका ईगो टूटता है, जब उसे दर्द होता है, चोट पड़ती है, तभी बंदे का या बंदी का ना ईगो टूटता है। अब देखिए आप खुद देखिए, ये पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड है, आपके पार्टनर आपको ऐसा दिखाते थे पास्ट में कि वो उनके लिए लोगों की लाइन लगी रहती है, चाहे बिजनेस को लेकर हो, चाहे उनके लिए ऑफर को लेकर हो, लेकिन यहाँ पर यही पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड में आ गया है, जो मुझे बताता है ना कहीं आपके पार्टनर अनफोकस्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इमेच्योर तो है ही, पेज की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो जाएंगे, ट्रबल्ड फेस करने पड़ेंगे आपको, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, और सेल्फिश तो थे ही आपके पार्टनर, और ये जो सेल्फिशनेस है ना आपके पार्टनर की, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो सेल्फिशनेस है ना, वो लोगों को समझ में आएगी कि ये कितने सेल्फिश है। तो वही चीज़ है ना कि लोगों के ऑफर पे जिन पे वो बहुत ज़्यादा घमंड फील करते थे, बहुत ज़्यादा उन्हें आप कह सकते हो अहंकार था, वही मुझे इस वजह से टूटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आया है फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी रिवर्स्ड में आया है गाइस। उनकी दुनिया मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आप ही उनका लक गुड लक थे और उनका गुड लक मुझे यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलग देखिए आपके पार्टनर का ना माइंड, ऑब्वियसली जब उन्हें फाइनेंशियली लेवल पे चोट पड़ेगी, कोई उनका साथ नहीं देगा, उनके पास ऑफर्स नहीं आएंगे, उनका इमोशनली लेवल पे भी बहुत सैड एनर्जी आई है, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ओवरलोड होने लगेगा, उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे। इतना लॉजिक्स पर चलते हैं तो ऑब्वियसली सोचेंगे, कहीं ना कहीं उन्हें रात को नाइट मेयर्स भी होंगे, उन्हें बुरे सपने भी दिखाई देने लगेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब वो एक तरह से उन्हें ना बहुत गंदी मार पड़ने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आता है नाइन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, जो मुझे बताता है ना आपके पार्टनर का, देखिए आपके पार्टनर का ये असूल था कि वो पास्ट की चीज़ों को लेकर सीखते थे, लेकिन गाइस ऐसा तो नहीं होता है कि पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं सेम फ्यूचर में भी वैसे ही कंडीशंस आपके सामने आए, तो वही चीज़ उनके साथ है, वो पास्ट की चीज़ों को, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को फ्यूचर में यूज़ करेंगे, जो कि उनके लिए सक्सेसफुल नहीं होगा, सेटिस्फैक्ट्री फॉर्म में वो चीज़ें नहीं होंगी, और वो क्या होगा ना वो सोचते थे कि वो पास्ट की जो चीज़ें हैं, जो एक्सपीरियंस है, उन लेसन्स को वो अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर उनके वो लेसन्स ना काम नहीं करेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ भी मुझे आपके पार्ट मतलब एक तरह से ना आपके पार्टनर को तो ऐसा लग रहा है मुझे, देखिए अगर मैं मोटा मोटा आपको बोलूँ तो देखिए थर्ड पार्टी या जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर ये दिखाते थे कि बहुत ज़्यादा उनके पास ऑफर्स आते हैं, वो उनका रिवर्स्ड में आ गया है, अकेले पड़ गए हैं, फाइनेंशियली लेवल पर भी बहुत चोट पड़ी है, कर्मा भी फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रातों को भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं अगर आपके पार्टनर का जब ये घमंड टूटेगा तो क्या वो आपके
पास आएंगे, लौट कर आपके पास वापस आएंगे, या फिर नई न्यू स्टार्टिंग करेंगे, मतलब क्या होगा फ्यूचर, क्या होगा उसके, क्या आपके पास आपके पार्टनर आएंगे फिर। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द सन, वेरी नाइस। और तीन कार्ड देखने हैं, इतने सारे एक साथ आ गए भाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए देखिए गाइस, 110 to 20 to 200% आपके पार्टनर आपके पास आएंगे घोड़े पर सवार होके। मतलब देखिए, आपके पार्टनर को जब उनका अहंकार टूटेगा ना, तब मुझे आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते हुए वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन ये सिक्स ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है। आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपने पैसों को लेकर घमंड दिखाया था, और अब आपके पार्टनर को ना वो जो कंजूसी दिखाते थे, माइजर का कार्ड यानी कि फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था, कंजूसीपन दिखाते थे ना, अब आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि जितना वो देंगे उतना उन्हें वापस से मिलेगा, ऐसा उनको दिखाई देगा। उसके अलग ना आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाएगा कि असली खुशियां, द सन कार्ड आया है, असली खुशी किस तरफ है। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो मुझे बताता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक हेल्दी न्यू बिगनिंग का ऑफर लेकर आएंगे, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आपके पास आएंगे, और एक तरह से उनको लेसन सीख, वो जो उनको लेसन सिखा रही है ना यूनिवर्स, वो लेसन सीख जाएंगे। लेकिन आपकी तरफ मुझे आपके पार्टनर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। फ्यूचर ब्राइट आया है, नो डाउट फ्यूचर ब्राइट आया है गाइस। मुझे यहाँ पर अगेन सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ कुछ लोगों के लिए ही होगा, सब लोगों के लिए नहीं। जैसे हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप 6 सालों का हो, 6 महीने से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हो। उसके अलग देखिए यहाँ पे कौन सा कार्ड आया, द लवर्स कार्ड आया है, और ये भी 6 नंबर है। तो मुझे यहाँ पर 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं 6 नंबर की ही बात कर रही थी। तो हो सकता है 6 सालों का रिलेशनशिप था, 6 महीने से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हो। जून मंथ आपसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों का बर्थ मंथ हो, आप लोगों की एनिवर्सरी हो, आप लोग जून में मिले थे या बिछड़े थे, उस टाइप से हो सकता है। आप लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, कुछ कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हो, तो ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। अब आते हैं टाइम की बात, कि कितना टाइम लगेगा आपके पार्टनर को। देखिए कुछ कुछ लोगों के लिए तो लगेगा सिर्फ 6 हफ्ते, 6 वीक्स लगेंगे, यानी कि 1.5। और अगर कुछ के पार्टनर के साथ ये एक्चुअली में हो रहा है ना, तो उन्हें 6 दिन भी लग जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेन क्या है ना, उनका सिर्फ ये ईगो टूटने की बात है, और उसके बाद आपके पार्टनर का आपकी तरफ बढ़ने की देरी है। जब उनका ये ईगो टूटेगा, उनका अहंकार टूटेगा, उनका घमंड टूटेगा, उसके बाद उनका आपके पास आने में कितना समय लगना है, बस उतनी चीज़ के लिए आप देरी समझ लीजिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ 6 दिन और 6 हफ्ते। और अगर उन्हें इस ईगो को तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो भाई मैक्सिमम 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर के ईगो टूटने के ऊपर, आप लोगों की सिचुएशन के ऊपर, कि क्या सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की तरफ से, और कितना ये आपसे रेजोनेट करता है उस तरह से। ठीक है, चलिए पार्टनर के मैसेजेस और पढ़ लेते हैं। आज भी बहुत लंबी रीडिंग हो गई है, जब मुझे सब एक्सप्लेन करना होता है ना तो इतना टाइम लग जाता है मुझे। एक कार्ड और देखती हूँ मैं, बस मुझे मैसेजेस और दे दीजिए। आ गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपके पार्टनर को तब समझ में आया जब उन्हें खुद समझ में आया, तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो आशा करते हैं आपको भी समझ में आ जाए उनके बीच में जो भी सिचुएशन है। आई नो आई ब्रोक योर हार्ट। ऑब्वियसली जब खुद का दिल टूटा ना, तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा। ठीक है, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, वो तो मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे गई पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड से, कि उनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है। लवर्स कार्ड से मुझे समझ में आ गया कि उनके दिल में आपके लिए आज भी फीलिंग्स है। सन कार्ड से मुझे समझ में आ गया कि आपके पार्टनर को आपके साथ ही खुशियाँ मिलती हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।